हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके एग्रीकल्चर दीप आइडिया यूट्यूब चैनल पर। मैं आपका दोस्त दीपक पाटदार। आज की वीडियो में हम बताएंगे सकिंग पेस्ट के बारे में, यानी जो रस चूसने वाले कीट होते हैं उनके बारे में डिटेल से जानकारी शेयर करेंगे। और अगली वीडियो में हम बताएंगे जो पेस्ट होते हैं, जो चबाने वाले कीट होते हैं, उनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो हमारा जो आज का टॉपिक है वह सकिंग पेस्ट की रोकथाम, कीट कितने प्रकार के होते हैं और हमारी फसल पर कीटों के कौन कौन से नुकसान देखने को मिल सकते हैं। तो आइडेंटिफाई यानी पहचान किस प्रकार से करना चाहिए, तो हमारे कंट्रोल करने की कौन सी बेहतरीन कीटनाशक है। काफ़ी दिनों से किसान भाइयों, किसान मित्रों की कमेंट आ रही थी कि हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप होती है उन पर कौन कौन से कीटों का प्रकोप हो सकता है और उनकी रोकथाम, लाइफ साइकिल और संपूर्ण जानकारी कीटों के बारे में। इसलिए इस वीडियो का टाइटल हमने रखा है कीटों का साइंस। आइडेंटिफाई के साथ साथ दोस्तों को संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप वीडियो पर बने रहें। हेलो किसान दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कीट। तो कीट दो प्रकार के होते हैं, एक इंसेक्ट होता है, एक पेस्ट होता है। इंसेक्ट वह कीट होता है जो हमारे मुलायम पत्तियों को, फूलों को, साथ ही फलियों को चबाने का काम करता है। इसके अलावा पेस्ट तो सकिंग पेस्ट की श्रेणी में आते हैं, खासकर मुलायम पत्तियों को, फूलों को, इसके अलावा पौधे के क्लोरोफिल रस को चूसने का काम करते हैं। तो एक कीट वो होता है जो खाने का काम करता है, दूसरा कीट वो होता है जो क्लोरोफिल या फिर फूलों के रस को चूसने का काम करते हैं। तो दोस्तों, फसल में क्वालिटी को प्रभावित करने एवं पत्ती की शाखाओं के साथ फूलों और फूलों को क्षतिग्रस्त करने फंगस जनित बीमारी को भी बढ़ावा देते हैं। न केवल ये कीट फंगस को बढ़ावा देते हैं बल्कि हमारी फसलों पर 90% उपज में गिरावट ला सकते हैं। तो कीट जो होते हैं उनके रोकथाम करने के लिए, खासकर जो सकिंग पेस्ट होते हैं दोस्तों, न केवल हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि वायरस को भी बढ़ावा देते हैं और पत्तियों में छुपकर मतलब नुकसान पहुंचाना काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। पत्तियों के निचले भाग में जो सकिंग पेस्ट होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा हमारी फसलों को प्रभावित करते हैं, वायरस को बढ़ावा देते हैं। तो जो कीट होते हैं, और कीट कई प्रकार के हो सकते हैं, तो उनकी रोकथाम करना और किसान भाइयों को सरल और आसान शब्द में समझ में आ जाए, तो वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृषि संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। चलो वीडियो को शुरू करते, बात करते हैं सफ़ेद मक्खी यानी व्हाइट फ्लाई। हिंदी में दोस्तों इसको सफ़ेद मक्खी कहते हैं, इंग्लिश में इसको व्हाइट फ्लाई कहते हैं। तो व्हाइट फ्लाई जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, व्हाइट फ्लाई जो दोस्तों, इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो सफ़ेद मक्खी दिखने में पीले रंग की जरूर होती है दोस्तों, लेकिन इसके पंख सफ़ेद रंग के होते हैं। यह कीट एक जगह से दूसरी जगह उड़ने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम होता है। यह लीप यानी पत्तियों के हमेशा नीचे साइड छुपकर रहना पसंद करता है दोस्तों। जैसे जैसे टेम्परेचर हाई होने लगता है, इसी प्रकार सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बढ़ता जाता है और गर्मियों के दिनों में काफ़ी तीव्र गति से सफ़ेद मक्खी का प्रकोप आप बढ़ता हुआ देख सकते हैं। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें, सफ़ेद मक्खी अपने लाइफ साइकिल 33 दिन में कंप्लीट कर लेती हैं। सफ़ेद मक्खी अपने जीवन चक्र में 100 से लेकर 120 अंडे देती हैं और हमेशा पत्तियों के नीचे साइड देती हैं, और इसी प्रकार उन अंडों से व्हाइट फ्लाई के बच्चे बाहर निकलते हैं जो क्लोरोफिल को खाते हैं, और 33 दिन में आसपास का समय लगता है। यदि टेम्परेचर बढ़ता है तो टू लाइफ साइकिल 25 दिन में ही एक लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है। लाइफ साइकिल का मतलब है दोस्तों, यानी कि सफ़ेद मक्खी से सफ़ेद मक्खी तक बनने का जो समय है वह 33 दिन में अपनी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है। जैसे कि दोस्तों, अंडे, प्यूपा, अडल्ट और उनके बीच में जो सो होता है उनसे एक निम्स निकलता है, और जो निम्स होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा हमारी फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। हल्के हल्के चिपचिपे से होते हैं ये निम्स होते हैं, और उनसे फिर प्यूपा अडल्ट तैयार होता है। आपको लगता है दोस्तों कि सफ़ेद मक्खी हमारी फसलों को नुकसान पहुँचाती हैं, तो देखिए नुकसान तो पहुंचाती है, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, लेकिन इससे भी ज़्यादा जो नुकसान पहुंचाते हैं सफ़ेद मक्खी के जो निम्स होते हैं वह काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। तो आपको सफ़ेद मक्खी को भी कंट्रोल करना है, निम्स को भी कंट्रोल करना है और अंडे को भी कंट्रोल करना है। तो जो सफ़ेद मक्खी होती है दोस्तों बहुत ज़्यादा छोटी होती हैं, और आप अपनी आँखों से बिल्कुल बारीक तरीके से देखेंगे तो आपको सफ़ेद मक्खी दिखाई देने वाली है, बहुत ही छोटी होती हैं। और अब बात करते हैं नुकसान की, तो जो अंडे में से जो बच्चे बाहर निकलते हैं वह एक चिपचिपा पदार्थ निकलता है, जिससे क्लोरोफिल खत्म होने से पत्ते में प्रकाश संश्लेषण सही तरीके से नहीं हो पाता है और पत्ते काले होकर मुड़ जाते हैं। तो यह वायरस को भी फैलाती हैं, जिससे फंगस ज़्यादा उत्पन्न हो जाता है, इससे उपज में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। और दोस्तों आपको बता दें कि कपास की फसल में सफ़ेद मक्खी का प्रकोप इतना ज़्यादा बढ़ जाता है
आपकी कपास की फसल पूरी की पूरी चौपट हो सकती है। काफी ज्यादा वायरस को फैलाती है सफेद मक्खी, लगभग 110 प्रकार के वायरस को बड़ा फैलाती है सफेद मक्खी, जैसे कि खासकर लीव वर्क वायरस है, एसी वायरस है। तो जितने भी प्रकार के वायरस होते हैं, एक पौधे से दूसरे पौधे ट्रांसमिशन तरीके से वायरस फैलाने का काम भी सफेद मक्खी करती है, और कई प्रकार के फंगस को बढ़ावा देती है, जिसके साथ ही जैसे कि टूबी गोल्ड फंगस को भी काफ़ी ज़्यादा तीव्र गति से बढ़ावा देती है। तो कुल मिलाकर पत्तियों में क्लोरोफिल बनने से रोकना और पैदावार को घटाना तो नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा है। तो अब इनके नियंत्रण के ऊपर बात करें तो कंट्रोल के ऊपर बात करते हैं कि आप कैसे वाइट फ्लाई या सफ़ेद मक्खी की रोकथाम कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा जो तरीका है, सफ़ेद मक्खी का प्रकोप जैसे जैसे बढ़ता जाता है, कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल वाला काम हो जाता है। तो यह एक ऐसा इंसेक्ट है कि लगातार आप किसी भी कीटनाशक का यदि बार बार स्प्रे करेंगे तो कीट कंट्रोल नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि प्रति पत्ती पर या पौधे पर आपको 2 से 3 सफ़ेद मक्खी दिख रही है तो आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। प्रिवेंटिव रूप में आप जितनी जल्दी सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करेंगे, प्रिवेंटिव रूप में इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करेंगे, तो बहुत शानदार तरीके से सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल करने वाले हैं। तो सफ़ेद मक्खी ऑर्गेनिक तरीके के बारे में पहले बात करते हैं, फिर रासायनिक तरीके से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सफ़ेद मक्खी उसकी रोकथाम कंट्रोल की जो ऑर्गेनिक विधि है, सबसे पहले तो आप ट्रेप लगाएं, नीला ट्रेप, पीला ट्रेप, येलो ट्रेप, यदि एक एकड़ में 20 फीस पर्याप्त होते हैं, और फसल से 1.5 से 2 फीट ऊपर आप ट्रेप लगाएं, और ज़रूर लगाना चाहिए। ट्रेप लगाने से काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। बाकी आप मल्चिंग पेपर लगाएं, ये भी काफ़ी बढ़िया रिजल्ट देती मिलता है। इससे भी ऊपर सिल्वर होना चाहिए और नीचे ब्लैक वाला यदि आप मल्चिंग पेपर लगाते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा पत्तियों के नीचे ये टेम्परेचर बढ़ने से सफ़ेद मक्खी का प्रकोप कम होता है। ध्यान रखिए, पत्तियों के नीचे यदि आपने मल्चिंग पेपर लगाए हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तो पत्तियों के नीचे साइड सफ़ेद मक्खी का प्रकोप थोड़ा कम होगा। इसके अलावा आप जितना खरपतवार मुक्त फसल रखेंगे उतनी बेहतरीन तरीके से सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल कर पाएंगे। इसके अलावा 5 किलोग्राम जैसे ऑर्गेनिक पे आप 5 किलोग्राम निम्बोली, जो नीम की फल होते हैं वह वाली निम्बोली आपको पीसकर 200 लीटर पानी में घोल करके भी आप स्प्रे कर सकते हैं, या फिर जो नीम तेल है फेस ऑयल का भी आप स्प्रे कर सकते हैं 2 ml प्रति लीटर की दर से। यह तो बात हो गई ऑर्गेनिक तरीके से, अब बात करते हैं रासायनिक तरीके से कि किस प्रकार रासायनिक मेथड से सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल किया जा सकता है। तो प्रिवेंटिव रूप में, क्योंकि 2 स्टेज होती हैं, एक प्रिवेंटिव रूप, एक रोग आने से पहले, एक रोग आने के बाद। यदि रासायनिक तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं तो रोग आने से पहले सिजेंटा कंपनी की एक तारा थाइथोक्सोमजोम 0.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से, या फिर एसीटामाप्रीड 20% SP जो कृषि रसायन की 0.5 से 0.7 प्रति लीटर की दर से, और इसके अलावा प्रोफेक्स सुपर 2 ml प्रति लीटर की दर से, या फिर कॉम्फिडोर सुपर 0.5 से 0.7 प्रति लीटर की दर से। इसके अलावा यदि रोग आ चुका है और यदि रोग सफ़ेद मक्खी का प्रकोप बढ़ चुका है तो आप कीटनाशक में से किसी एक कीटनाशक का आप स्प्रे कर सकते हैं, जिससे फ्रीफॉक्सीफेन 10% 2 ml से 3 ml प्रति लीटर की दर से, BSF कंपनी की सेफिना 2 से 3 ml प्रति लीटर की दर से, और GSP SLR 525 2 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा पेगा सिजेंटा कंपनी की 2 से 3 ml प्रति लीटर की दर से इनमें से किसी एक कीटनाशक का आपको स्प्रे करना है, सफ़ेद मक्खी कंट्रोल हो जाएगी। पर ये जो डोज है प्रति लीटर की दर से बता है। इसके अलावा सफ़ेद मक्खी से कौन कौन सी फसलें ग्रसित हो सकती हैं, तो आइए उनके बारे में जानते हैं। मुख्य रूप से कपास, पपीता, भिंडी, खीरा, सोयाबीन, कद्दू, इसके साथ मूंग, उड़द, शिमला मिर्च, आलू के साथ तरबूज, करेला, गिलकी, यानी सब्जी, बेलवर्गीय फसलें सफ़ेद मक्खी का प्रकोप देखा जा सकता है। फसलें तो अलग अलग प्रकार की हो सकती है, लेकिन कंट्रोल करने का तरीका एक ही है। इसके अलावा दोस्तों, फंगस के ऊपर बात करते हैं, कौन सा फंगस सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल कर सकता है। तो ब्यूवेरिया बेसियाना आपको 3 से 5 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे किसान मित्र सफ़ेद मक्खी को कंट्रोल कर सकते हैं। कोशिश करें कि सफ़ेद मक्खी, खीरा हो या अन्य फसलें हो, प्रिवेंटिव रूप में आप स्प्रे करेंगे। नंबर पर बात करते हैं किसान दोस्तों, थ्रिप्स एक रस चूसक कीट होता है दोस्तों, इसकी जानकारी डिटेल से शेयर करते हैं और आइडेंटिफाई कंट्रोल के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं आइडेंटिफाई यानी पहचान। तो यह एक रस चूसक कीट होता है जो कि पत्तियों की निचली सतह में दोनों पत्तियों के बीच में रहकर रस को चूसने का काम करती है,
और ये वायरस को भी फैलाती है। वायरस का भी विभाग होता है यह थ्रिप्स जो होता है दोस्तों, कई प्रकार के वायरस को फैलाती है। वो थ्रिप्स कई प्रकार के हो सकते हैं, ब्लैक थ्रिप्स, येलो थ्रिप्स, इनके अलावा दोस्तों कुछ पारदर्शी होते हैं। यह छोटे छोटे कीट होते हैं, 6 पैर वाले थ्रिप्स हो सकते हैं, जैसे काले, पीले, नीले, लाल, सफ़ेद, ब्लैक हो सकते हैं, जो आप वीडियो पर देख रहे हैं। इनकी लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें, 25 से लेकर 30 दिन में अपनी पूरी लाइफ साइकिल जीवन चक्र पूरा कर लेते हैं, और 0 से लेकर 10 दिन में अंडे, 7 से लेकर 14 दिन में लार्वा और 2 से 3 दिन में प्यूपा तैयार हो जाता है। और वहीं वयस्क की बात करें तो 2 से लेकर 30 दिन में अडल्ट तैयार हो जाता है। लगभग ये मान लीजिए 25 से लेकर 30 दिन में अपनी पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती हैं। थ्रिप्स के दोस्तों जो वयस्क और निम्स होते हैं सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। यह पत्ती, एक पत्ती पर 200 से लेकर 250 अंडे एक बार में मादा थ्रिप्स अंडे दे देती हैं। प्रकोप के ऊपर बात करें तो कोमल पत्तियों पर, फूलों पर और नई पत्तियों पर और पत्तियों के नीचे साइड प्रकोप कुछ ज़्यादा ही देखने को मिल सकता है। और साइड इफेक्ट के ऊपर बात करें तो कौन कौन सी सब्जियों पर, तो मुख्य रूप से प्याज की फसल पर थ्रिप्स का प्रकोप देखा जा सकता है। मिर्च, टमाटर, शिमला, लहसुन, खीरा और कपास के साथ और भी अन्य फसलों और सब्जियों पर प्रकोप देखा जा सकता है। छोटी मुलायम पत्तियों पर, दोनों पत्तियों का पर प्रकोप ज़्यादा ही देखने को मिल सकता है। कंट्रोल के ऊपर बात करें तो दोस्तों थ्रिप्स की प्रकोप जो जैविक नियंत्रण के लिए, यदि आप बेबेरिया बेसियाना 2 से 3 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं और आप नीला ट्रेप लगा सकते हैं, 1 एकड़ में 20 पीस पर्याप्त होते हैं। और यह जो सेट है और आप जो वीडियो पर देख रहे हैं, बायो फंगस का भी आप प्रयोग कर सकते हैं ठीक तरीके से 5 ग्राम। इसके लिए रासायनिक प्रिवेंटिव रूप में अगर ड्रिंचिंग मिडाक्लोपीड 17.5% SC 3 ml प्रति लीटर की दर से ड्रिंचिंग कर सकते हैं। इसके अलावा स्प्रे पर आप पिप्रोनिल का स्प्रे कर सकते हैं 18.87 SC 1 ml प्रति लीटर की दर से, नीम ऑयल 2 ml प्रति लीटर की दर से, इसके अलावा लांसर गोल्ड 3 ml प्रति लीटर की दर से और PI की किफान 2 ml प्रति लीटर की दर से मुख्य रूप से कीटों का प्रकोप होता है। तो लेकिन दोस्तों रोग आने के बाद कौन सा स्प्रे अच्छा काम करेगा यह जानते हैं। तो अच्छा स्प्रे आपको जो आपको देखने के लिए मिल जाता है, किसी एक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं तो कंट्रोल हो जाएगा। तो आप वीडियो पर देख रहे हैं, जैसे घरारा की पुलिस है, बायर की मेवेटो है, इलायची, इसके अलावा डाइफी नाइल्स क्लोमिथाइड का भी आप स्प्रे कर सकते हैं, जो कि वीडियो पर आप देख रहे हैं। किसी एक कीटनाशक का स्प्रे करने से भी कंट्रोल हो जाएगा। इस हिसाब से चाहे दोस्त नीला पीला थ्रिप्स हो या ब्लैक थ्रिप्स हो या किसी भी प्रकार का थ्रिप्स हो, कंट्रोल हो जाएगा। सबसे आसान और सरल मेथड थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए, थ्रिप्स का प्रकोप यदि प्रिवेंटिव रूप में होता है और आप प्रयोग करेंगे तो आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। यदि रोग आने के बाद यदि रोग बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है या फिर थ्रिप्स का प्रकोप कंटिन्यू बढ़ता है तो फिर ऐसी सिचुएशन पर कंट्रोल करना मुश्किल वाला काम हो जाता है। नंबर 3, फल मक्की के बारे में यानी फ्रूट फ्लाई। दोस्तों इसको हिंदी में फल मक्की कहा जाता है, इंग्लिश में इसको फ्रूट फ्लाई कहा जाता है। तो दोस्तों फ्रूट फ्लाई जो को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, पहचान के ऊपर बात करते हैं। तो ये जो फल मक्की होती है गोल्डन चमकदार भूरे रंग की और पारदर्शी पंख होते हैं जो कि लाल भूरे रंग की हो सकती है, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। फल मक्की फलों और फूलों को चूसकर उसको कमज़ोर कर देती है, जिससे फल में सड़न पैदा हो जाती है और फलों की क्वालिटी 90% तक दोस्तों फल मक्की प्रभावित करती है। फलों में दाग धब्बे आ जाते हैं, फल मक्की की क्वालिटी। और लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें, अंडे, लार्वा, प्यूपा, वयस्क, ये 4 प्रकार की अवस्था होती है। फल मक्की लाइफ साइकिल 15 से लेकर 30 दिन में अपनी एक पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है। और कौन सी सब्जियों पर हैवी अटैक देखने को मिल सकता है, तो फल मक्की खासकर तुरई, लौकी, गलकी, तरबूज, खरबूज और जो बेल वर्गीय फसलें होती है उन पर कुछ ही ज़्यादा प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है। फल मक्की एक बार में जो मादा मक्की जो होती है दोस्तों 300 से 500 अंडे देती है। ध्यान रखिए दोस्तों, जो फल मक्की मादा मक्की जो होती है 300 से 500 अंडे एक बार में देती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से अपनी जनरेशन को फैलाती है, प्रकोप फैलाती है। तो फल में डंक मारकर अंडे देती हैं और काफ़ी ज़्यादा फलों को क्षतिग्रस्त करती हैं। फलों में सड़न पैदा करना और उपाय के ऊपर बात करें, ऑर्गेनिक उपाय के लिए आप फ्रूट फ्लाई ट्रैप लगा सकते हैं। 1 एकड़ में 15 से लेकर 20 पीस पर्याप्त होते हैं और फसल से 2 फीट ऊपर आप लगाएं। दोस्तों ट्रैप
आप जरूर लगा सकते हैं फ्रूट फ्लाई ट्रैप जो आप वीडियो पर देख रहे हैं। इसके अलावा रासायनिक उपाय के लिए आप कीटनाशक में से किसी एक कीटनाशक का प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सोलोमन यूपीएल का और लांसर गोल्ड प्रोवेक्स सुपर या बायर डिजीज 100। यह जो दोस्तों आप देख रहे हैं इनमें से किसी एक का स्प्रे करके आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। फल मक्खी जो होती है दोस्तों काफ़ी ज़्यादा फल वर्गीय सब्जियों पर नुकसान पहुंचाती है और काफ़ी ज़्यादा हमारी फसलों को क्षतिग्रस्त करती है। तो आपको कंट्रोल करने की आसान सरल मेथड मैंने आपको बता दी है। अब बात करते हैं माइट्स के ऊपर। हिंदी में इसे मकड़ी कहते हैं और इंग्लिश में दोस्तों इसे माइट्स कहते हैं। हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप और फसलों पर दो ही प्रकार के माइट्स बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं, एक तो येल्लो माइट्स और एक रेड माइट्स सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई। इनकी पहचान के ऊपर बात करते हैं तो ये छोटे छोटे जीव होते हैं जिनके 8 पैर होते हैं और इनका रंग अलग अलग हो सकता है, जैसे लाल, नारंगी, पीला, नीला। और आपको जानकारी के लिए बता दें दोस्तों माइट से एक सूक्ष्म जीव मकड़ी है और सेफल की फसल पर कुछ ज़्यादा ही प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है और यूरोपियन माइट्स का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है। माइट्स पत्तियों के निचले साइड क्लोरोफिल को खाकर पत्तियों को बेजान कर देता है, फलों की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है जिससे प्रकाश सिलेक्शन तीव्र गति से नहीं हो पाता है और माइट्स अधिक नमी में 28 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में तीव्र गति से वृद्धि करती है। और माइट्स की लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो इसके लिए इसके जो अंडे होते हैं दोस्तों वो गोल और चमकदार होते हैं और 30 डिग्री सेल्सियस में 8 से लेकर 10 दिन में और 20 डिग्री सेल्सियस में यानी 20 दिन में अपनी एक पूरी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है। इनका जो पूरा लाइफ साइकिल होता है 3 से 6 दिन में अंडे और 4 से 9 दिन में लार्वा और जो वयस्क होते हैं अडल्ट होते हैं 1 से 2 दिन में तैयार हो जाते हैं। तो ये मान लीजिए 15 से 20 दिन में मोटा मोटी अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है। मादा मकड़ी नर मकड़ी की तुलना में थोड़ी बड़ी होती है। मादा मक्खी अपने जीवन चक्र में दोस्तों अपने पूरे जीवन चक्र में 50 से लेकर 100 अंडे देती हैं और अधिक टेम्परेचर की दशा में मकड़ी बहुत तीव्र गति से फैलाव होता है। तो इनके रोकथाम कंट्रोल के ऊपर बात करते हैं, इनमें से किसी एक कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं जैसे बायर का ओबोरोन 1 ml प्रति लीटर की दर से, इसके अलावा धनुका की ओमैट 1 ml प्रति लीटर की दर से, इसके अलावा HMO यानी हार्टिकल्चर मिनरल्स आयल 2 ml प्रति लीटर की दर से, या फिर चाहे जो मकड़ी नाशक ओबोरोन हो या धानुका की ओमाइट्स हो, हमको 1 से 1.5 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए दोस्तों। इस प्रकार से आपको ओमाइट्स को कंट्रोल करना चाहिए। तो हमने 2 से 3 कीटनाशक के बारे में बताया, कोई एक कीटनाशक का भी आप स्प्रे करेंगे तो भी आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। माइट्स की हैवी अटैक के ऊपर बात करते हैं तो दोस्तों मुख्य रूप से टमाटर की फसल पर हो सकता है, एप्पल की क्रॉप पर हो सकता है, भिंडी, बैंगन, खीरा और मिर्ची, लौकी, इसके अलावा और भी सब्जी वर्ग फसलों पर माइट्स का प्रकोप कुछ ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है। तो सब्जियों पर, बागवानी पर, सभी प्रकार की क्रॉप्स होती है उन पर अटैक होता है, तो इस विधि से आप कंट्रोल कर सकते हैं। बात करते हैं एफिड, इसके बारे में कुछ इस प्रकार का दिक्कत देता है एफिड जो आप वीडियो पर देख रहे हैं। एफिड तो एफिड एक सकिंग पेस्ट है जो कि फसलों के क्लोरोफिल को खाकर फसलों में उपज को प्रभावित करता है। एफिड को महू के नाम से भी जाना जाता है। एफिड का प्रकोप दोस्तों आपको बता दें पत्तियों के नीचे साइड देखा जाता है और एफिड के प्रकोप के कारण पौधे में जो फल फूल बहुत ही कम लगते हैं जिससे पैदावार काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ जाती है। आइडेंटिफाई के ऊपर बात करते हैं तो कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं एफिड और झुंड में रहकर और साथ में रहकर पौधे पर अटैक करते हैं। इनके 6 पैर होते हैं। कि आपको पता है दोस्तों लेडीबग जो होती हैं जो मित्र कीट होते हैं वह एफिड को खाते हैं। और आपको बता दें एफिड जो होता है वह पंखहीन होता है, यह उड़ता उड़ नहीं सकता और यह ब्लैक और पीले भूरे रंग के होते हैं। लंबाई इनकी 3 mm के लगभग होती है और लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें 32 दिन में अपनी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है। यदि हैवी अटैक के ऊपर बात करें तो खासकर सरसों है, पत्ता गोभी, फूल गोभी, धनिया या भिंडी, गेहूं, टमाटर फसल एफिड का प्रकोप देखा जा सकता है। इसके अलावा चाहे तिल की फसल हो या अन्य फसलों पर भी इसका प्रकोप देखा जा सकता है। यह पत्तियों के नीचे साइड परत में रहकर नुकसान पहुंचाता है, नीम से ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। यह एक चिपचिपा पदार्थ छोटी जिससे चींटियां इनको नहीं खाती हैं और चींटियां एफिड को ना खाए तो एक प्रकार से एक इनका प्रोटेक्शन कम ही कर लेते हैं। इसका प्रकोप पत्तियों पर, लीफ पर, तने पर और फल फूल पर, साथ ही जड़ों
पर देखने को मिलता है या फिर जड़ों से थोड़ा ऊपर तने के पास। इससे सिस्टमिक दवा ही काम करने वाली है। तो आपको जानकारी के लिए बता दें दोस्तों, सकिंग पेस्ट है, रस चूसक कीट है, इन पर यदि आप सिस्टमिक कीटनाशक का स्प्रे करेंगे तो बहुत अच्छा काम करने वाली है। और कंट्रोल के ऊपर बात करें तो आप नीला ट्रेप, पीला ट्रेप भी लगा सकते हैं। इसके अलावा UPL का लांसर गोल्ड 3 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या कॉम्पिडर सुपर इमिडाक्लोपिड 0.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। सिजेंटा कंपनी की एक तारा 0.5 प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं, या बायर की रिगेंट SC 1 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, ध्यान रखिए इसमें से किसी एक का स्प्रे करना है जिससे एफिड आसानी से कंट्रोल हो जाएगा। इसके बारे में तो जेफिड कुछ इस प्रकार का दिखा देता है और इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है जेफिड को, जिसे हरा तीला, फंगी फुतका के नाम से जाना जाता है। और एनियल स्टेट में जो पत्ते होते हैं वो मुड़ने लगते हैं। पहचान के ऊपर बात करें, आइडेंटिफाई के ऊपर बात करें तो ये कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। सबसे ज़्यादा फुर्तीला होता है दोस्तों, और जेफिड के 6 वेयर होते हैं और ये रसचूसक कीटों की श्रेणी में आता है, जो कि पत्तियों के नीचे साइड क्लोरोफिल को खाकर पत्तियों को कमज़ोर कर देता है और वायरस को बढ़ावा देता है। पीले भूरे रंग के हो सकते हैं। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो ये अपनी 25 दिन में अपनी एक लाइफ साइकिल कम्प्लीट कर लेती है। इनकी 3 स्टेज होती है, अंडे, लार्वा, अडल्ट। वो जो निम्स होते हैं वो 7 से 21 दिन में अपने क्लाइमेट के हिसाब से जीवित रह सकते हैं। और मेल जेफिड 15 से 29 अंडे पत्ते पर देती हैं, तो फिर अपनी एक लाइफ साइकिल में 15 से लेकर 30 अंडे तक दे सकती हैं। बीच अंकुरण से 2 हफ्ते बाद ही जेफिड निम्स अवस्था में अटैक देखा जा सकता है। क्रॉप के ऊपर बात करें तो मुख्य रूप से अटैक कपास, खीरा, सोयाबीन और सब्जी वर्गीय फसलों पर सोयाबीन, इसके अलावा बैगन, इसके अलावा छोटी पत्ती रोग इसी कीट से होता है। और इसी कीट से जेफिड और सफ़ेद मक्खी से बैगन की फसल पर छोटी पत्ती रोग को बढ़ावा मिलता है। कंट्रोल के ऊपर बात करें, ऑर्गेनिक के लिए नीम ऑयल 1 से 2 ml प्रति लीटर की दर से स्प्रे कर सकते हैं। ये पीला ट्रेप लगाएं, 1 एकड़ में 20 पीस पर्याप्त होते हैं और आपको जरूर लगाना चाहिए। अब बात करते हैं रासायनिक उपाय के लिए। आप इमिडाक्लोपिड 17.8% 8% SL 1.5 ml प्रति लीटर की दर से, कृषि रासायन की इक्का 0.7 ml, इसके अलावा UPL लांसर गोल्ड 3 ml, सिजेंटा कंपनी की एक तारा 0.7 ml और BASF की सेफिना 2 ml और प्रोपेक का सुपर 2 ml। इससे में से किसी एक का स्प्रे करना है। ध्यान रखिए इसमें से किसी का एक का स्प्रे करने से आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिल सकता है, प्रति लीटर की दर से पता है। उन पर मिलीबग, यह जो आप वीडियो पर देख रहे हैं मिलीबग, इसका प्रकोप भी काफ़ी ज़्यादा फसलों पर देखा जा सकता है। तो आप मिलीबग दोस्तों, मिलीबग एक रसचूसक कीट है दोस्तों और पत्तों पर, तने पर क्लोरोफिल को खाकर पत्तों को कमजोर कर देता है। अब इसके आइडेंटिफाई पहचान के ऊपर बात करते हैं तो मिलीबग छोटे छोटे सूक्ष्म जीव की तरह मुलायम रुई की तरह दिखाई देते हैं। इनके शरीर पर चिपचिपा पदार्थ होता है सफ़ेद रंग का। जब आप स्प्रे किसी भी कीटनाशक का स्प्रे करते हैं तो इनके शरीर तक नहीं पहुँच पाता है और इनको कंट्रोल करना काफ़ी दिक्कत वाला काम हो जाता है और भी ज़्यादा मुसीबत आती है। इनकी लाइफ साइकिल के ऊपर बात करते हैं, हमारी फसल पर अगस्त से लेकर फरवरी तक काफ़ी ज़्यादा परेशान करता है और पत्तियों में जीवित रहता है और पौधे में छुपे हुए जगह पर आपको बता दें मादाबग अंडे देती हैं। और मिलीबग एक बार में 450 से 500 अंडे एक बार में देती हैं। और फीमेल मिलीबग जो होती हैं, अंडे, लार्वा, वयस्क, ये 3 स्टेज होती हैं और 28 से 32 दिन में अपनी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती हैं। ठंडे मौसम में और ज़्यादा ग्रोथ करती हैं। फसलों के ऊपर बात करें तो अंगूर, अनार या सीताफल, बरबटी, कपास, टमाटर, नींबू, आम, केला, करेला, तरबूज, पपीता, आलू जैसी फसलों पर मिलीबग का प्रकोप देखा जा सकता है और बागवानी में कुछ ज़्यादा ही प्रकोप देखने को मिल सकता है। मिलीबग का प्रकोप सब्जियों के साथ हरी सब्जियों पर कुछ ज़्यादा ही प्रकोप देखने को मिल सकता है। नुकसान के ऊपर बात करें, क्लोरोफिल को खाकर फंगस को बढ़ावा देता है मिलीबग। यदि आप कंट्रोल के ऊपर बात करें तो आप ग्रुप को वॉश कर सकते हैं, यानी धो सकते हैं। प्रोफेनोपास 50% SC आपको 500 ml लेना है और 400 लीटर पानी में लेकर आपको स्प्रे कर देना है, यानी ग्रुप को वॉश कर देना, जिससे मिलीबग कंट्रोल हो जाता है। इसके अलावा टाटा की एप्लोट इंसेक्टिसाइड केप्टान प्लस हाइड्रोक्लोराइड 75% SG 1 ml आप ड्रिंचिंग कर सकते हैं, या फिर बायर की कॉम्फिडोर 800 ml की दर से आप कीटनाशक का स्प्रे कर सकते हैं। इसका स्प्रे कर सकते हैं प्रति लीटर की दर से डोज बताएं। और अधिक नाइट्रोजन, अधिक पानी देने से भी मिलीबग हैं इसमें और भी बढ़ावा देखने को मिल सकता है। नाइट्रोजन सिंचाई
करने से मिलीबग और भी बढ़ावा देखने को मिल सकता है। तो इन कीटनाशक का स्प्रे करके मिलीबग को कंट्रोल कर सकते हैं। जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं सिलिकॉन चिप को स्टिक मिलाकर स्प्रे करें तो कीटनाशक बताएं तो मिलीबग की पहचान बताई है, कंट्रोल आसानी से हो जाएगी, तो ज़्यादा समस्या वाली बात नहीं है। और फसलों पर कीटों पर प्रकोप है तो रुक काम करने के लिए आपको आराम से विधि बताए जा रहे हैं। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। लिप माइनर जो आप वीडियो पर देख रहे हैं, यह लिप माइनर आपको अलग अलग नाम से भी जाना जा सकता है, इंग्लिश में इसको लिप माइनर नाम से जाना जाता है। तो लिप माइनर एक रस चूसक कीट है जो कि पत्तियों के अंदर जाकर क्लोरोफिल को खाकर जिससे जो पत्तियां सेंट्रीफिल पत्तियां नहीं कर पाती हैं और पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया तीव्र गति से नहीं कर पाता है, जिससे उपज में लगभग 70% गिरावट देखने को मिल सकती है। वो टमाटर की फसल पूरी की पूरी चौपट करने की ताकत रखता है। लिप माइनर देखने में सूक्ष्म पत्तियों के अंदर चलकर क्लोरोफिल को खाकर पत्तियों को इस प्रकार टेढ़ी मेढ़ी लाइन बना देता है जो आप वीडियो पर देख रहे हैं। यह एक अटैक है। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो लिप माइनर मादा मक्खी अपने घरों में दिखने वाली मक्खी की तरह ही होती है। कुछ इस प्रकार मादा मक्खी अपने लाइफ साइकिल में 250 अंडे देती हैं और पत्तियों के अंदर या दोस्तों आपको बता दें कि मुलायम पत्तियों या फिर लिप माइनर या प्रकोप देखने के लिए मिलता है। टमाटर की जो फसल है हमारी छोटे पौधे होते हैं उन पर प्रकोप देखने के लिए ज़्यादा मिलता है। मादा मक्खी अपने लाइफ साइकिल में 250 अंडे देती हैं, मुलायम पत्तियों पर या फिर पत्तियों के अंदर प्रकोप देखने के लिए मिल जाता है। इनकी चार अवस्थाएं होती हैं, अंडे, लार्वा, निम्स और वयस्क। को बता दें कि जो लार्वा होते हैं, जो निम्स होते हैं, वह काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। वयस्क का भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने के लिए मिलता है। लार्वा और निम्स होते हैं पत्तियों में क्लोरोफिल को खाती हैं लार्वा और प्यूपा, और प्यूपा से फिर मक्खी। कुछ इस प्रकार से इनकी लाइफ साइकिल चलती रहती है और 25 से 28 दिन में अपनी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती हैं। हेवी अटैक के ऊपर बात करें तो टमाटर, खीरा, सोयाबीन, शिमला, गुलाब, करेला, लौकी, शिमला, तरबूज, खरबूज और गोभी वर्गी पालक स्ट्रॉबेरी स्टेज पर अटैक देखने के लिए मिल। को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं तो स्टंटिंग के दिनों में इमामेक्टिन बेंजोट का स्प्रे कर सकते हैं। इसके अलावा सिजेंटा कंपनी की वॉल्यूम फ्लेक्सी 1 लीटर से ड्रेंचिंग कर सकते हैं, पीला ट्रेप लगा सकते हैं। इसके अलावा सिजेंटा कंपनी की एम्पली को 0.5 ml प्रति लीटर की दर से या प्रोफेक्स सुपर 2 ml लेना है या सिजेंटा की प्रोक्लेन 0.7, सिजेंटा कंपनी की इक्वेस 0.3 ग्राम, इसमें से किसी एक कीटनाशक का स्प्रे करने से प्रति लीटर की दर से आपको डोज बताएं, जिससे आप आसानी से लिप माइनर को कंट्रोल कर सकते हैं। या फिर ड्रिंचिंग स्टार्टिंग के दिनों में इमेक्टिन बेंजोइट है या फिर इमिडाक्लोरपिट का स्प्रे कर सकते हैं। प्रकोप बढ़ता है तो सिजेंटा कंपनी की वॉल्यूम फ्लेक्सी आती है, इसकी ड्रिंचिंग करने से लिप माइनर 100% कंट्रोल हो जाती है। नंबर 9 पे बात करते हैं लाल कद्दू बीटल, जिसे आप वीडियो पर देख रहे हैं। इसे हिंदी में लाल कद्दू बीटल कहते हैं और इंग्लिश में इसे रेड पपकिन बीटल भी कहते हैं। आइडेंटिटी के ऊपर बात करते हैं, पहचान के ऊपर बात करते हैं तो बीटल का प्रकोप कुछ बेलवेर की सब्जियों पर कुछ ज़्यादा प्रकोप देखने के लिए मिल जाता है, जैसे लौकी, खीरा है, ककड़ी है, जो बेलवेर की सब्जी होती है उन पर कुछ ज़्यादा प्रकोप देखने के लिए मिल जाता है। लाल कद्दू बीटल, यह बीटल 4 प्रकार के होते हैं, ब्लैक पंख वाले बीटल है, काले धब्बे वाले बीटल हैं या रेड वाले बीटल, ये 4 प्रकार के होते हैं। आजकल तो लाल वाला जो बीटल होता है उसका प्रकोप कुछ ज़्यादा ही देखने को मिलता है। दिखने में कुछ इस प्रकार के होते हैं, जबकि उड़ने में बहुत ज़्यादा फुर्तीले होते हैं, जो कि इनके 6 पैर होते हैं। रेड पपकिन बीटल होता है जो कि पत्तियों को कुछ इस प्रकार हरित लाग इस प्रकार खाता है कि पत्तियां छल्ली की तरह दिखने लगती हैं, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इसके प्रकोप के कारण पौधा बहुत कमज़ोर हो जाता है और पैदावार में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल जाती है। फिर पौधा काला पड़कर सूखने लगता है। तो यह कीट इतना खतरनाक है कि अंकुरण के समय ही पत्तियों को खाने का काम चालू कर देता है, पत्तियों को भी खाता है, तने को भी खाता है। आपको बता दें कि गिलकी, तुरई, लौकी, खीरा की जो खेती है, तो पौधा जब छोटे छोटे होते हैं तो लाल कद्दू बीटल का प्रकोप होता है तो हमारी फसल में 50% से लेकर 55% तक खत्म कर देता है। तो इस कीट से संपर्क से सावधान रहें और स्टार्टिंग में प्रिवेंटिव रूप में कीटनाशक का स्प्रे करते रहें। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो लाल बीटल की 4 अवस्थाएं होती हैं, अंडा, लार्वा, निम्स और वयस्क। 150 से 200 अंडे एक बार में मादा बीटल देती हैं। अंडे से गर्भ, गर्भ से प्यूपा और अडल्ट बनता है। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो 20 से लेकर 25 दिन में लाल बीटल अपनी एक लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती हैं। कंट्रोल के ऊपर बात करें तो ऑर्गेनिक के लिए नीम ऑयल है, यानी 3000 ppm पर
3 ml की दर से आप स्प्रे कर सकते हैं रासायनिक के लिए, किसी एक का स्प्रे कर सकते हैं जो आप वीडियो पर देख रहे हैं। किसान दोस्तों, अब नंबर 10 पर बात करते हैं, हम पर जैसे आप फुटका के नाम से जानते हैं, BPH, इसकी लाइफ साइकिल के ऊपर बात करते हैं, कंट्रोल के ऊपर बात करते हैं, प्लस टेम्परेचर पर इनकी जो लाइफ साइकिल है बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेती है, तो वीडियो पर बने रहे। BPH यानी ब्राउन प्लांट होपर आइडेंटिफाई के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, इनके पंख होते हैं और कुछ दिखने में इस प्रकार के हो सकते हैं और कुछ अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, पर इसके नियंत्रण कंट्रोल करने के लिए एक ही मेथड का प्रयोग किया जाता है। इनके 6 पैर होते हैं और उड़ने में काफ़ी ज़्यादा सक्षम होते हैं और ग्रुप वाइज चलते हैं। यदि इन्फेक्शन ग्रुप के ऊपर बात करें तो धान की फसल पर या धान की फसल पर ही कई प्रकार के BPH का प्रकोप देखने के लिए मिल जाता है, जिसे हम पुतका के नाम से जानते हैं। और धान की फसल पर BPH को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, तो किसान दोस्तों समझते हैं, थोड़ी सी जानकारी शेयर करते हैं कि धान की फसल पर जो होपर होते हैं वह एक रसचूसक कीट होते हैं, पत्तों में क्लोरोफिल को खाकर फसल को बिल्कुल कमज़ोर कर देते हैं, वो कमज़ोर ही नहीं बल्कि एकदम ख़त्म भी कर देते हैं। यदि सबसे ज़्यादा नुकसान वाले श्रेणी की बात करें तो ये 3 प्रकार के होते हैं जो BPH होते हैं, धान की फसल में 100% चौपट कर सकते हैं। धान की फसल पर अलग अलग नाम से हैं, जैसे पोपर्स, फुटका, माहू के नाम से जाना जाता है। यदि हम बात करें कि धान की फसल पर 3 ही BPH का नुकसान ज़्यादा देखा जाता है, यानी BPH यानी ब्राउन प्लांट हॉपर यानी हमें भूरा माहू के नाम से जानते हैं, जैसे GLH यानी ग्रीन लीफ हॉपर जिसे हम हरा माहू के नाम से जानते हैं, WBPH यानी वाइट ब्लैक प्लांट हॉपर जिसे हम सफ़ेद माहू के नाम से जानते हैं। खासकर BPH है, यह लीफ ग्रीन हॉपर काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। जो यह पुतका है दोस्तों जो वीडियो पर देख रहे हैं, इसकी डिजाइन, इसकी बनावट देख रहे हैं, ये हमारी फसल को ज़्यादा यदि हल्का प्रकोप है तो 10% नुकसान और यदि हेवी अटैक है तो 100% तक फसल को चौपट कर सकता है। बार बार हम चौपट के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि धान की फसल पर जो एनिशियन स्टेज होती है, यदि हम समय रहते, क्योंकि खासकर बासमती धानों पर इसका प्रकोप को ज़्यादा ही देखने के लिए मिलता है, यदि हम अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग करते हैं या अधिक देर तक पानी खेत में भरा रहता है, तो जड़ों से थोड़ा ऊपर यानी पानी भरा हुआ है उससे थोड़ा ऊपर, जड़ों से 2 से 3 इंच ऊपर इसका प्रकोप कुछ ग्रुप वाइज इतना ज़्यादा होता है, जो कि BPH की फसल को नीचे से ऊपर की ओर झुकने का काम करता है, जिससे पूरा का पूरा खेत चौपट हो जाता है। साइकिल के ऊपर बात करते हैं दोस्तों, टेम्परेचर के हिसाब से, मौसम के हिसाब से लाइफ साइकिल कुछ इस प्रकार से है। जून से अक्टूबर में 18 से 24 दिन में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है, नवंबर से जनवरी में 38 से 44 दिन में, फरवरी से अप्रैल में 18 से 35 दिन में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। सितंबर के स्टार्टिंग में BPH का प्रकोप शुरू होता है और धान की फसल में 60 से 65 दिन की आसपास की क्रॉप होती हैं, तो ये फर्स्ट चरण में होता है और फसल को काफ़ी ज़्यादा क्षतिग्रस्त करता है, छोटे छोटे पंख वाले काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाते हैं। इसकी जो स्टेज है, अंडे निम्स और वयस्क काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, 8 से 10 दिन में अंडे, 15 से 20 दिन में निम्स और 4 से 5 इंच लंबे हो सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए आपको कंट्रोल कैसे करना है इसके बारे में जानते हैं। बीमारी, रोग, बीमारी आने रिसर्च के कारण बात करते हैं। यदि खेत में लगातार पानी भराव रहने से या अधिक टेम्परेचर की दशा में, अधिक नाइट्रोजन की दशा में बासमती किस्मों में यह जो कीट है BPH, ये इसके आने की संभावना बढ़ जाती है। तो रोग लगने का पत्तियों पर कुछ इस प्रकार सूखने की लगते हैं जो वीडियो पर देख रहे हैं। रोकथाम के ऊपर बात करते हैं तो ये कीटनाशक दवाई जो आप देख रहे हैं प्रिवेंटिव रूप में फर्स्ट और सेकंड स्प्रे जो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, इनका प्रिवेंटिव रूप में स्प्रे करने से शानदार तरीके से BPH कंट्रोल हो जाएगा। यदि BPH हल्का फुल्का प्रकोप है तो यदि प्रिवेंटिव रूप में इन कीटनाशक का स्प्रे करेंगे शानदार तरीके से कंट्रोल हो जाएगा। यदि लगातार बहुत ज़्यादा प्रकोप बढ़ रहा है, यदि अंतिम स्टेज में BPH है, तो फिर कोई भी कीटनाशक दवाई काम नहीं करेगी, इसलिए धान की फसल पर जांच पड़ताल करते रहें, ऑब्जर्वेशन करते रहें। BPH का प्रकोप हल्का फुल्का है तो आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले के बारे में, ज्ञानवर्धक जानकारी के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हमने सकिंग पेस्ट के बारे में बताया। तो सकिंग पेस्ट यानी रसचूसक कीटों के बारे में, तो आपको सिस्टमिक दवाई ही काम करने वाली है तो इसका प्रयोग करें। इसके अलावा प्लांट ग्रोथ बढ़ाने के लिए जिब्रोलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। यदि मिट्टी का पीएच 7.5 से अधिक है तो DAP यानी SSP का प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा चिकनी पत्ती वाली फसलों पर जैसे प्याज, लहसुन, पत्ता गोभी, फूल गोभी, सीताफल, मक्का, अफीम या ड्रैगन फ्रूट, एलोवेरा, यह जो फसलें हैं इनके पत्ते चिकने होते हैं, इन पर सिलिकॉन चिप को मिलाकर स्प्रे करने
करना चाहिए। इसके अलावा जो एक्सपायर डेट वाली दवाई होती है उनका स्प्रे करने से परहेज करें। इसके अलावा थ्रिप्स में प्रिवेंटिव रूप में स्प्रे करने से काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल मिलने वाला है, क्योंकि थ्रिप्स का प्रकोप काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और ऐसी कंडीशन में किसी भी कीटनाशक का स्प्रे करने से इतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है जितना प्रिवेंटिव रूप में मिलता है। इसके अलावा ऐसे कीटों के लिए स्टार्टिंग में मिंस ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। महंगी फंगीसाइड के साथ एनपीके घुलनशील खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी भी कीटनाशक यानी क्रॉप पर लगातार बार बार स्प्रे करने से कीटों पर रजिस्ट्रेशन पावर आ जाती है, जिससे वह कीट कंट्रोल नहीं हो पाता है। किसी भी कीटनाशक को दो से अधिक बार स्प्रे नहीं करना चाहिए, जिसे ब्रांड कंपनी या फिर कोई नई कंपनी टेक्नोलॉजी मार्केट में लॉन्च करती है, तो इससे कंपनी का नहीं बल्कि किसानों का भी फायदा होता है, क्योंकि नया फार्मुलेशन वाला कीटनाशक आता है और कीटों पर रजिस्ट्रेशन पावर नहीं होती है। इसलिए मार्केट में जो नया कीटनाशक आता है, नया फार्मुलेशन आता है, आपको भी उसे ट्रायल करके देखना चाहिए। तो फ्रेंड, आज की वीडियो के माध्यम से आपको बताया कीटों का साइंस तो यह थे कि डिसे सकिंग पेस्ट, तो सकिंग पेस्ट के बारे में कैसे आइडेंटिफाई पहचान करना है, उनकी लाइफ साइकिल के बारे में बताए हैं, तो इसे कंट्रोल कैसे करना चाहिए और कौन कौन सी फसलों पर हेवी अटैक देखने को मिल सकते हैं। वीडियो लंबी जरूर हो गई है दोस्तों, पर वीडियो से काफ़ी कुछ नया बिगनर फार्मर को नई खेती करने की सोच रहे हैं उनको काफ़ी नॉलेज बन मिलने वाला है। तो इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना किसान हित के लिए शेयर करें। तब तक के लिए सेफ एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।